दोस्तों आज हम हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हैं। प्रवेश द्वार श्री महाभारत युद्ध भूमि श्री भीष्म पितामह मंदिर नरकतारी मंदिर में जा रहे हैं। ये प्रवेश द्वार है और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे हम लोग, और कुछ सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां चलते हुए तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। खूबसूरत मंदिर है, भारत में जो महाभारत का युद्ध हुआ था, और धीरे धीरे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और मंदिर की तरफ। तो हम लोग पहले दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं मंदिर में और चलते हैं आगे। देखिए खूबसूरत मंदिर है, इतिहास महाभारत से जुड़ा। भीष्म पितामह को अर्जुन ने तीरों की छाया पर इसी स्थान पर छन्नी किया था। तो वो देखिए भीष्म पितामह और अर्जुन, और यहाँ पे महाभारत के समय जब प्यास लगी थी भीष्म पितामह जी को, तो उन्होंने जमीन में तीर मारकर पानी निकाला था और इस जगह पे तीर से भूमि से पानी निकाल के पिलाया था। तो ये है मंदिर, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हम लोग, तो चलते हैं। महाभारत जहाँ युद्ध हुआ था 5000 वर्ष से कुछ से ज़्यादा हो चुके हैं, तो हम उस तालाब की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि सरोवर है और सरोवर में हम लोग जाते हैं, सामने से आपको मूर्ति लगी हुई है सामने, और उस पर लिखा गया है, देखिए, भीष्म की प्यास बुझाते अर्जुन तीर मारकर जमीन में जब युद्ध में उनको वरदान था कि कोई इनको इनकी मृत्यु इच्छा मृत्यु से होगी, जब चाहेंगे मृत्यु होगी। तो अर्जुन ने तीरों से भेद दिया था इस जगह को, और जब उन्होंने कहा मुझे प्यास लगी हुई है, तो कौरव तकिया लेकर आए, उसका रुई का कुछ पानी लेकर आया, तो अर्जुन ने तीरों से तकिया बनाया और अर्जुन ने तीर मारकर जमीन से फुहारा निकाला और पानी की धारा उनके मुंह में चली गई। देखिए पानी की धारा भी जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो और थे हम आपको, तो ये सरोवर है पृथ्वी सरोवर। तो चलिए फिर बैक चलते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं उसी जगह पे आपको दोबारा ले जाऊंगा जहाँ पे सब लोग खड़े ऊपर से देख रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं उसी जगह पे, भीष्म पितामह जी हैं, इन्हें ये तीर के द्वारा तकिया बनाया गया था, और ये अर्जुन है, तीर मारकर उन्होंने पानी का फुहारा छोड़ा था जो उनके मुंह में गया था। तो यही जगह है भीष्म पितामह जी वाली। तो कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा हमें, अच्छा लगे लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ आज का व्लॉग बंद करते हैं।